धार जिले के मनावर तहसील के सिंघाना में सरकारी हॉस्टल में सिंघाना की ही उचित मूल्य की दुकान का अनाज रखे जाने का मामला सामने आया है। दरअसल सिंघाना के शासकीय कस्तूरबा बालिका छात्रावास में बड़ी संख्या में गेहूं और चावल की बोरियां पिकअप वाहन में लोड करने की सूचना स्थानीय लोगों के साथ मीडिया को लगी। मीडिया जब मौके पर पहुंची तो अनाज ले जा रहे लोगों के बीच हड़कंप मच गया। जब मीडिया ने उससे सवाल पूछा कि यह अनाज किसका और कहां ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि यह अनाज सिंघाना की ही शासकीय उचित मूल्य की दुकान का है। जो उचित मूल्य की दुकान का गोदाम फूल होने की स्थिति में कस्तूरबा छात्रावास में रखा गया था। अब सवाल यह उठता है कि बालिकाओं के छात्रावास में इस तरीके से अनाज रखना कहां तक सही है, जबकि शासन के सख्त निर्देश है कि बालिकाओं के छात्रावास में बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं हो सकती। दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या यह अनाज उचित मूल्य की दुकान का ही है? कहीं यह अनाज छात्रावास में बच्चों के बनने वाले भोजन का तो नहीं है, जिसकी कालाबाजारी छात्रावास प्रबंधक और उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन की मिलीभगत से किया जा रहा है। जब इन तमाम सवालों के जवाब सेल्समैन से पूछे गए तो उसने बड़ी सफाई से कह दिया कि यह अनाज तो सिंघाना की ही उचित मूल्य की दुकान का है। जब इस पूरे प्रकरण के बारे में हॉस्टल अधीक्षिका ने मीडिया से चर्चा करना चाही तो वह इस मामले में कुछ भी बोलने से मना करती रही। जब मीडिया ने इस मामले को जिले के जवाबदार अधिकारी के संज्ञान में लाया तो उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से इस तरीके के घटनाक्रम की सूचना मिली है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस अनाज की हॉस्टल अधीक्षक और उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन के द्वारा कालाबाजारी की जा रही थी, और यदि अनाज उचित मूल्य की दुकान का है तो वह हॉस्टल में किसके आदेश पे रखा गया था, क्योंकि बालिकाओं की सुरक्षा का सवाल है। अब देखना है कि जिला शासन प्रशासन इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई करता है। हॉस्टल में गेहूं रखा हुआ था, चावल रखा हुआ था कंट्रोल का, कैसे रखा गया था जबकि कोई आदेश नहीं थे, उसके बावजूद वहाँ रखा गया था, क्या मामला है? हाँ, ये आपके संज्ञान से आज मुझे मालूम हुआ है और ये अभी अभी मालूम हुआ है। वास्तव में किसी भी केजीबीवी में किसी भी उचित मूल्य की दुकान का कोई अनाज रखने के कोई नियम नहीं होते हैं, ऐसा शासन से कोई निर्देश नहीं। यदि किसी उचित मूल्य की दुकान का वहाँ पर अनाज रखा गया है या अन्य सामान रखा गया, वास्तव में उसकी जाँच की जाएगी। इसमें जो भी दोषी हो उस दोषी के लिए हम कार्रवाई करने के लिए माननीय कलेक्टर साहब सीओ साहब के लिए फाइल बढ़वाएंगे और उनके लिए फाइल कार्रवाई के लिए फाइल बढ़वाएंगे और उनके लिए कार्रवाई निश्चित करवाएंगे। सर, हॉस्टल में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश के क्या नियम है? कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, केवल शासकीय कर्मचारी जो भी निर्देश हो कलेक्टर साहब सीओ साहब के वही व्यक्ति प्रवेश करता है, बाकी कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करता। यदि बाहरी व्यक्ति प्रवेश करके इस तरह से अनाज रखता है, उसके हमाल जाते हैं, वापस निकालते हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसके शासन के जो भी नियम है उन निर्देश के अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। सर नाम बता दीजिए। कमल सिंह ठाकुर, सहायक परिषद समन्वयक, जिला शिक्षा। क्या नाम है भाई साहब? राजू। क्या करते हो? सेल्समैन हूँ। कल जो छात्रावास में गेहूं की हेरा फेरी हुई, वहाँ से माल उठाया गया, क्यों उठाया गया? वो हमारा माल था। आपका माल था, आपको परमिशन थी वहाँ पे माल रखने की? परमिशन जैसे वो छात्रावास का गेहूँ था वहीं रखा था। कितना कितने बोरी था माल? 63 बोरी था। 65 बोरी का हमने रखा। 63 तो कहाँ ले गए फिर वो माल? बाकी वहीं था, बाकी हमारा जो माल था वो हम ले आए थे। बाकी वहाँ कितना बचा? वहाँ 30 थैले। आप कितना लाए? 33। कहाँ है वो माल? ये रख लें। बताओ।